जिसे हम खिलाड़ी कुमार के नाम से जानते हैं, और ये हैं फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अक्षय कुमार। भाई वैसे तो लोग हमें संगीत का जादूगर कहते हैं, नाम है राजा। इन्होंने अपने लिए खुद ही कहा है, ना हम अमिताभ, ना हम दिलीप कुमार, ना ही किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय। फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आया ये लड़का सुपरस्टार बना। जन्म 9 सितंबर सन 1967। अक्षय कुमार का जन्म अमृतसर में हुआ था और परवरिश हुई पुरानी दिल्ली यानी कि दिल्ली 6 में। इनके पिता हरिओम भाटिया और माँ अरुणा भाटिया। पिता हरिओम भाटिया एक मिलिट्री ऑफिसर रहे। अक्षय कुमार बचपन से ही स्टेज पर एक परफॉर्मर की तरह जाने जाते थे, खासतौर पे डांस में। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रहते थे और उसके बाद ये मुंबई आ गए, जहाँ पे ये कोलीवाड़ा इलाके में रहने लगे। कामयाबी की उन बुलंदियों को छू सकूं जिसका सपना पापा और आपकी आंखों ने देखा था। मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और मुंबई के ही गुरु नानक खालसा कॉलेज से हायर एजुकेशन की। तो तुम्हें लगता है कॉलेज की लड़कियों के पीछे मैं पढ़ाऊं? अरे वो मेरे आगे आगे घूमती है। वो और बात है कि एक साल के बाद ही ये पढ़ाई छोड़ बैंकॉक चले गए मार्शल आर्ट सीखने के लिए। अक्षय कुमार की एक बहन भी है जिनका नाम है अलका भाटिया। भैया मैं एक बात सोच रही हूँ, आपके दिल के एल्बम में हजारों लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं, मगर उनमें से क्या कोई एक भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते जो मेरी भाभी बन सके? जब अक्षय 14-15 साल के थे तब इनके वालिद ने इनसे एक बार सवाल पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और तब अक्षय कुमार ने कहा था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। दोस्तों हिंदुस्तान में ही इन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की। बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई की, जहाँ पे जब बतौर शेफ और वेटर काम किया करते थे। कल से तू होटल जाएगा बस। मुंबई वापस आ जाने के बाद अक्षय कुमार ने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया और अभी भी एक्टिंग की मंजिल काफी दूर थी, कोई राह नजर नहीं आ रही थी, और तब सूरज चमका। अगर आपको अपने डांस पर इतना ही नाज है तो एक मौका हमें भी दिया जाए अपनी किस्मत आजमाने का। अक्षय कुमार जब मार्शल आर्ट्स की क्लासेस लिया करते थे तब इनके एक स्टूडेंट ने, जो कि खुद एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, इनका नाम मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भेजा। अरे राजा तुझे कौन हराएगा यार, जीत ले कॉम्पिटिशन और बन जा स्टार फटाफट। मॉडलिंग के पहले ही 2 दिनों में अक्षय कुमार को लगा, 2 दिन में जो पैसा मैंने कमाया है वो तो मैं पूरे महीने में नहीं कमा पाता, इसलिए मॉडलिंग का ही रास्ता चुन लिया जाए। बहुत सारी फिल्मों में ये बतौर बैकग्राउंड डांसर भी काम कर रहे थे और एक दिन इन्होंने फ्लाइट मिस कर दी और किस्मत के हवाई जहाज पे ये सवार हो गए। किस्सा यूं मशहूर रहा कि अक्षय कुमार को बैंगलोर जाना था एक एड की शूटिंग के लिए, पर ये फ्लाइट मिस कर बैठे। ये बहुत दुखी थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा। अच्छा हुआ कि इन्होंने फ्लाइट मिस की, क्योंकि उसी शाम जबरदस्त प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती ने इन्हें फिल्म दीदार के लिए साइन किया। राजा तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है बल्कि अपने हाथों से अपनी सुनहरी तकदीर लिख ली है। हालांकि ये पहली बार नजर आए थे फिल्म सौगंध में, जिसमें जबरदस्त अभिनेत्री राखी और शांति प्रिया इनके साथ थी। साल था सन 1991। I love you. 1987 की फिल्म आज, जिसे महेश भट्ट साहब ने बनाया था और जिसमें कुमार गौरव स्टार थे, उसमें अक्षय कुमार मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर की तरह नजर आए थे। शुरुआती दौर में लोगों ने कहा कि लड़के के पास लुक्स तो हैं, एक्शन भी है, लेकिन शायद एक्टिंग में कमी है। और तब अब्बास मस्तान की फिल्म खिलाड़ी आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाया। तुम दोनों को ही इस दुनिया से जुदा कर दे, क्या इस बहाने अपना पिछला हिस्सा भी प्याज के साथ क्लियर? अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो इसे हाथ लगा के दिखाए। अक्षय कुमार खिलाड़ी सीरीज के साथ आगे बढ़ रहे थे, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, और फिर आई फिल्म मोहरा। अक्षय कुमार की इमेज एक एक्शन हीरो की इमेज बन गई थी। उसके बाद यश चोपड़ा साहब की फिल्म दिल तो पागल है में इन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया, हालांकि सपोर्टिंग रोल था पर बहुत तारीफ की गई। यश चोपड़ा साहब की फिल्म ये दिल लगी में भी इन्होंने एक रोमांटिक किरदार ही निभाया था, और तब ये जरूर लगा था कि ये हरफन मौला है।
और फिर आई प्रियदर्शन साहब की फिल्म हेरा फेरी, जिसमें परेश रावल और सुनील शेट्टी साहब के साथ मिलके इन्होंने धमाल मचा दिया और फिर धर्मेश दर्शन की धड़कन ने इन्हें एक इमोशनल एक्टर की तरह भी एस्टैब्लिश किया। अगर तुम्हारे रगों में सिंगानिया का खून है तो मैं भी किसी बुज़दिल बाप का बेटा नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरा हाथ प्रेम। नहीं। एक बड़ा मजेदार किस्सा रहा। एक बहुत बड़ी फिल्म फ्लॉप हो गई और अक्षय कुमार शादी के बंधन में बंध गए। जी, आमिर खान, फैजल खान और ट्विंकल खन्ना स्टारर मेला। अक्षय और ट्विंकल ने ये बात तय कर ली थी कि अगर मेला फ्लॉप हुई तो शादी कर लेंगे। फिल्म चल गई तो शादी कुछ वक्त के लिए रुक सकती है। और आमिर खान के होने के बावजूद फिल्म मेला बुरी तरह से फ्लॉप हुई और अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी सुपरहिट। इस तरह से अक्षय कुमार बने हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के दामाद और सासू माँ बॉबी यानी कि डिंपल कपाड़िया। इस शादी से अक्षय और ट्विंकल को दो बच्चे हुए, बेटा आरव और बेटी नेत्रा। यस, इट इज अ वेरी गुड ग्रेट थिंग व्हिच हैज हैपेंड एंड आई एम थैंकफुल एंड ऑब्लाइज्ड। धीरे धीरे वो मोड़ भी इनके जीवन में आया जहाँ पे इन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोली, हरिओम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी। I've done so many things in my life, from stunts to films to everything in my life. I...